शहर से कहीं दूर मैं फिर आज अपने गांव घूमने आ गया हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं गांव बहुत जाता हूँ, क्या करूँ यार, सुकून ही गांव में मिलता है। मुझे थोड़ा भी समय मिलता है तो मैं अपने गांव आ जाता हूँ, क्योंकि जो सुकून अपने गांव में है वो किसी शहर में नहीं है, किसी जगह पर नहीं है। कहीं भी घूम लो, अपने गांव में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ हम खेले हैं, हमारे लंगोटिया यार, उनके साथ हमारा पूरा बचपन बीता है। स्कूल की शुरुआत जब हुई तो उनके साथ हुई, काफ़ी टाइम तक साथ पढ़े, स्कूल में पिटे तो साथ, डांट पड़ी तो साथ, अगर गए तो साथ और नहीं गए तो साथ। ऐसे हमारे यार थे कि अगर एक भी नहीं जाता था तो कोई भी नहीं जाता था हम में से। तो ये सब दोस्ती सब गांव में हुई थी हमारी, तो उनसे मिलना हो जाता है। अब तो सब खैर बाहर ही हैं ज़्यादातर हमारे दोस्त, लेकिन फिर भी जैसे आज संडे है तो मैंने सबको बुला लिया है और मुझे वो सारे मिल भी गए हैं। आपसे भी मिलवाऊंगा उन्हें। अभी तो मैं अपने खेत पे आया हूँ घूमने, क्योंकि अपने खेत देखना ही बहुत ज़रूरी है, अपने खेतों की जानकारी होनी चाहिए हर इंसान को, अगर आपके पास खेत है तो बस मैं भी खेत देखने आया हूँ। अभी घर जाऊँगा तो सारे दोस्त मिलेंगे मुझे, फिर उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। ये हमारे गांव का रास्ता है, जब आप आएंगे तो ये पुल पड़ेगा आपको, और ये नदी है जो कि अभी सूख चुकी है। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा गांव का, जो मेरे दूसरे चैनल पर है, तो इस रास्ते को आप ज़रूर पहचान गए होंगे, क्योंकि इस रास्ते पर ही मैंने वो पहला व्लॉग शूट किया था जिसको लेकर मुझे मेरे भाई बहनों ने काफ़ी ट्रोल भी किया था। अब क्यों करा था वो आप खुद देखो, उस व्लॉग को देखोगे तो पता चल जाएगा। ये नदी सूख चुकी है देखो, और ये रहा पुल, बहुत पुराना पुल है, मुझे लग रहा है ये गांधी जी के ज़माने का पुल है। शायद गांधी जी ने बनवाया था ये। हवा चल रही है एकदम मस्त और धूप भी निकल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है। देखो पेड़ कैसे घूम रहे हैं। वहाँ पर हमारे पिताजी घूम रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं जो खेतों की हमारे देखभाल करते हैं, उनके साथ चेक कर रहे हैं हमारे पिताजी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैं यहाँ इतनी दूर खड़ा हूँ क्योंकि मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने भी अभी नोटिस की, ये देखो ये कोई इंसान नहीं खड़ा है, ये इंसान ही कपड़े पहना के एक पुतला खड़ा कर दिया है खेत में, जिससे कि जो नील गाय होती हैं या फिर कोई और जानवर फसल को बर्बाद ना करें। इसलिए ये आपको देसी जुगाड़ गांव में ज़रूर मिलेगा खेतों में। अभी मेरा अंदर घर जाना नहीं हो रहा है, खेत से निकलना हो नहीं रहा है ज़रा, क्योंकि पापा थोड़ा काम में लगे हुए हैं, तो मैंने अपने दो दोस्तों को कॉल कर दिया है, वो दोनों शायद यहीं आ रहे हैं। अभी आएंगे तो मैं उन्हें आपसे मिलवाऊंगा, मैं रोड पे घूम रहा हूँ उनके इंतज़ार में, कह तो रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, अभी तक तो आए नहीं है।
तब तक आप लोगों से थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो बात यह है कि यार देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, अब यहाँ तक व्लॉग देख ही रहे हो तो, और वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यार, अपने तक ही सीमित रखते हो हैं, कर दो थोड़ी शेयर ठीक है। बाकी दोस्त आएंगे तो मैं उनसे मिलवाऊँगा, अभी आने वाले होंगे वो भी, जैसे ही आएंगे आपसे मिलवाऊँगा, वेट करो 5 मिनट का बस। तो वो दोनों आ गए हैं, उन्हें पता नहीं है मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ गाँव का, आ तो गए हैं, हम मिलवाता हूँ उनसे। एक गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा हुई क्या भाई, तो ये दोनों हैं, ये चाचा का बेटा है, मेरे से तो मिले होंगे शायद पहले अबे, और ये अनुराग भाई हमारे बचपन का लंगोटी यार, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे, मैं पहले तुम्हारे बारे में बात कर चुका हूँ, तो मैंने दोनों को बुला लिया, मैं इनसे बात करूँगा, बाकी बात बाद में।